बाप का देख कर ना सुन कर ना, उन हम्म, लड़कियों को बुखार हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, 4-5 दिन हो गया, गुड़िया इसको भी बुखार हो रहा। BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा और इस वक्त हम पहुंचे हैं जिला पानीपत के गांव बोड़चाम के अंदर। इस गांव से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आ रहा है। क्या है उस मामले की पूरी सच्चाई वो हम आपको दिखाएंगे। सभी से अपील करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि जो बुजुर्ग ताऊ है उसे इंसाफ मिल सके। बुजुर्ग ताऊ के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उन्हें एक 5 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है या उसके जो भी गुप्तांगों को छेड़छाड़ की है। उस मामले में अब बुजुर्ग ताऊ को 20 साल की सजा सुनाई गई है और उस सजा से पहले जो परिवार वाले हैं उनका क्या कहना है, सीधी बातचीत कराते हैं उन परिवार से। उनका आरोप है कि जो ताऊ को फंसाया गया है वो एक जाल साजिश के तहत फंसाया गया है, उनकी बात भी सुननी चाहिए। जिस व्यक्ति को सजा हुई है उनकी धर्म पत्नी भी हमारे साथ है, उनसे भी पूछें कि भाई सजा होने के बाद और कितनी क्या कुछ कार्रवाई की गई, वो ठीक हुई है नहीं हुई जी? ठीक नहीं हुई, गलत हो जी कते। हाँ जी, माड़ पड़ी हम बैठे थे, नहीं अजय नहीं हाँ, बहुत गलत होया हजे जो मारे बुढ़े के साथ हुआ, बहुत गलत होया। उसने कुछ भी नहीं करा था ऐसा, माड़ पड़ी हम बैठे थे, मैं देख रही थी, कुछ नहीं करा ऐसा, और सब झूठ बोल रहे। तो उसको बहुत मारा पीटा जी, उसके जान दान सब टूट गए थे, बुढ़ा बेहोश हो गया था, उसके कपड़े कपड़े सब फट गए थे। इन्हें जब भी दया नहीं आई, नंगा कर दिया, मैंने कहने लगी मेरी पोती खड़ी है इनकी तो दया करो कुछ। फिर मैंने कपड़ा रख दिया उसके ऊपर, फिर पुलिस आ गई उसको उठा कर ले गए। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हो, क्या आपकी मांग है? मारी मांग या हा बेटे, इंसाफ मिलना चाहिए। उस वह लड़की है जो, उसकी डॉक्टरी होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। मतलब आपको अब सबूत चाहिए, अगर हाँ, उनको सजा हुई है हाँ, तो वो किस आधार पे आपको वो सबूत चाहिए? हाँ सबूत चाहिए जी, तो पता लगेगा। हाँ, बुड्ढे ने कर रखा है हाँ, इसलिए या इस वजह से जेल में है, तो वो बिना तरीका से जेल में गिरा है। तो आपको अभी तो कोई सबूत भी नहीं दिखाया गया? नहीं दिखाया जी, नहीं दिखा रखा जी कुछ भी। हाँ, किसी ने भी मतलब मुझे तो कुछ भी रिपोर्ट का वो नहीं मिला। हमने हम यही तो बोल रहे हैं जनता तक, किसी वजह से वो जेल में गया, हिंद झूठ के कारण जा रहा क्या वो, ये हमने ये भी नहीं पता था जी। अक बुढ़ा मारा जेल में ज्यादा जन के जनता है, वो किन्नु कंधा रहा, हम ऐसे बैठे थे बाहर ओ भीतर से। मैं बोली मुखा भाई इब तक बुढ़ा बाहर नहीं आया, कहा जाएगा था या जाएगा, उसको तो एकदम सजा बोल दे। बुढ़े को ले जाने लगे पुलिस, बुढ़ा बोला तू घर चले जा, मेरा लड़का था मेरे साथ। फिर मैं जज के पास गए, मुखा हाँ जी क्या बोल दिया? अब कुछ नहीं बोला, 20 साल की सजा होगी गर्दा, कुछ सबूत दो किसके लिए, उस लड़के के रिपोर्ट दिखाओ, 20 साल की सजा बोल दे, ऐसा क्या करे उसको। फिर बोले अब बस याद ज्यादा मत बोल, बाहर चले जा। देखिए जब सजा मिली और आपको सबूत भी नहीं दिखाए गए कि भी किस बेस पे सजा मिली है, हाँ, तो परिवार पर क्या बीती उस टाइम की भी एकदम से सजा? अंतर रोन लाग रहे बेटे, उस दिन क्या रोन लाग रहे जी, खाना पीना रोन सब कुछ, उस दिन क्या हम परेशान हो रहे हैं, करे तो करे क्या करे, हमने कोई राय नहीं पा रहा। एक लड़का करना रहा है कि पुता में ले रहा बस। दादी जमाना चाहे कुछ एक अंदर हो, हाँ, मन माने या चीज हो या उसके लिए नहीं हुई, गलत हुई है, उसने जो करा ही नहीं। आप दिन देख लो गांव में क्या कर सकेगा बुड्ढा, उनके दरवाजे में बैठा था जो भीतरोंदा जति मान लेते, उनके भीतरोंदा जति मान लेते, गांव में बुड्ढा क्या कर सके है, ये बात बताओ ना। वो सारे आरोप झूठे लगा रहे जी, मेरे को कम से कम 50-60 हो गए साल हो गए न्याय को, कभी भी उसकी हरकत नहीं देखी किसी के साथ भी। भाई जो उनकी धर्म पत्नी है और उनके लड़के की जो वाइफ है वो भी साथ में ही है, उनका भी कहना है कि भी जो सजा हुई और जो उनके ऊपर आरोप लगाए वो सभी झूठे आरोप है, या तो इन्हें डॉक्टरी रिपोर्ट दिखाई जाए कि भी इस बेस पे उन्हें सजा मिली है। एकदम से सजा सुनकर परिवार भी एकदम से सदमे में चला गया कि भी ऐसे कैसे सजा हो गई बिना किसी सबूत के। तो अभी इनकी मांग है कि भी इनको सबूत दिखाया जाए, अगर बात सच है तो सबूत के आधार पर उन्हें सजा हो, सीबीआई जांच की भी परिवार कहीं ना कहीं मांग कर रहा है, और अगर ये बात झूठ है तो इनके साथ कहीं ना कहीं ना इंसाफी हो रही है।